नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर की जिला बार एसोसिएशन के 10 पदों के लिए जजी स्थित बार हॉल में 37 प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। दरअसल जिला बार चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह व राधे श्याम चिकारा द्वारा जारी सूची के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी अजीत पवार, सत्येंद्र कुमार व राजीव कुमार चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों आलोक गोविल, अरविंद विश्वकर्मा, पंकज कुमार व हरि सिंह ने नामांकन कराया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों कामेंद्र सिंह व नीरज कुमार तथा महासचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी मोहम्मद आदिल सिद्दीकी, रामेंद्र सिंह व अमित राठी ने पर्चा दाखिल किया। इसी तरह कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों मोहित त्यागी, आदेश दाहिमा व प्रमोद कुमार ने पर्चा दाखिल किया। तो वहीं संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद के लिए 4 प्रत्याशियों अतुल कुमार गुप्ता, मोहम्मद आदिल अहमद, रवि मेहरा व विवेक कुमार शर्मा ने नामांकन कराया। संयुक्त सचिव लाइब्रेरियन पद हेतु जावेद अहमद, कैलाश सिंह व रईस खान ने पर्चा दाखिल किया। संयुक्त सचिव सांस्कृतिक पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी अंशु विश्नोई ने पर्चा दाखिल किया। गवर्निंग काउंसिल सदस्य सीनियर हेतु 6 प्रत्याशियों भूपेंद्र तोमर, आनंद कश्यप, गजेंद्र वीर सिंह, मोहम्मद बुलंद अख्तर, आफताब आलम व विश्वनाथ शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं गवर्निंग काउंसिल सदस्य जूनियर पद के लिए 9 प्रत्याशी सारिक अमर हरिगुप्ता, विश्वनाथ शर्मा, हेमेंद्र राजपूत, मोहम्मद जमाल अख्तर, शिवम अग्रवाल, शुभम पवार, मोहम्मद तला व नसीम अहमद ने पर्चा दाखिल कर नामांकन कराया। मुख्य चुनाव अधिकारी मदन लाल अरोड़ा ने बताया कि 14 दिसंबर को नाम वापसी का दिन है। 15 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच व आपत्तियों के निस्तारण के साथ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी।